तो जानते ही हैं कि स्पाइडर्स का जवाब नहीं, जबरदस्त ताकत, जाल बुनना, दीवार पर चढ़ना वगैरह वगैरह। माना अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन स्पाइडर से बेहतर कोई है ही नहीं। दूसरे बग्स बस मामूली बग्स हैं। ओ बग्स याद आया, ये हैं एंटमैन, हीरो, अवेंजर और एक ऐसा शख्स जो श्रिंक होकर बन सकता है। जी हाँ, सही पहचाना, एक एंट, लेकिन ताकत फिर भी इंसानों जितनी ही रहेगी। तुम जानते हो कि किसी मुकाबले के दौरान साइज कोई मायने नहीं रखती। ओ, ऐसा क्या? मैं यही डायलॉग राइनो से कहूंगा जब कैंटीन का खाना खत्म हो जाएगा। शांत रहो। कम ऑन अमेडेज, वो श्रिंक वाली बात तो मैंने बस यूं ही टाइम पास के लिए कही थी। मैं तो बस मजाक नहीं करूंगा। अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। बड़बड़ करने की सजा मिलेगी। चलो अपना स्किल दिखाओ। पता था श्रिंक हो गए, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। देखो तुम एंड सिर्फ खाना उठाने के मामले में मजबूत हो। मकड़ी घंटी की बजाय असली घंटी, लगता है इसने मुझे कुछ ज्यादा ही जोर से पटक दिया। इमरजेंसी अलार्म, आवाज ट्राइस के लिए ब्रिक से आ रही है। मैं मदद मंगवाता हूँ, चलो मेरे साथ। आखिर आजादी मिल गई। हाँ, कुछ देर तक मजे कर ही लो, तुम्हारी अगली सजा भी वापस यही जेल में कटने वाली। डॉक्टर ऑक्टोपस, वाह क्या एंट्री मारी सर जी। ए डॉक्टर, तुम्हारा जेल तोड़कर भागने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। देखो ना, निक सर जी खुद तुम्हें वापस जेल में बंद करने के लिए ले जाने आए हैं। दरअसल मिस्टर फ्यूरी ने ही तो मुझे जेल से आजाद किया है। निक सर जी का सिर फिर गया क्या?